नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा अपने इस चैनल में सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ नया सेशन करने जा रहे हैं, यानी कि सवाल आपके और जवाब मेरे। आज हम रेकी पर लेकर कुछ सवाल जवाब करेंगे। कुछ सवाल ऐसे जो रेकी के बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं, आज मैं उनके जवाब दूंगी। कुछ आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिखते हैं, कुछ लोगों ने मुझे बहुत बार फोन करके पूछा, तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा सेशन स्टार्ट करती हूँ जिसमें आप लोगों के सभी क्वेरीज को मैं लिया करूंगी और बीच बीच में वीडियोस डालकर उनके जवाब मैं आपको दे दिया करूंगी, ताकि आपको अलग अलग पूछने की मुझसे जरूरत ना पड़े। तो ऐसा ही सवाल जवाब के सेशन की आज पहली कड़ी शुरू करते हुए मैं रेकी किससे जुड़े हुए जो सवाल आप लोगों के हैं, उन सवालों को मैं ले रही हूं। मैंने पहले से कुछ सवाल चूज कर रखे हैं, उनके मैं आपको जवाब दूंगी। आज पहला सेशन है, इसीलिए मैं बेसिक क्वेश्चंस जो रेकी से जुड़े हुए आप लोग जानना चाहते हैं उनके जवाब दूंगी। और इनके अलावा भी आप जो मुझसे सवाल करना चाहें वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, किस सवाल के आप जवाब चाहते हैं। मैं वहां से देखकर, जब मुझे लगेगा कि पर्याप्त सवाल है, इनके जवाब देना जरूरी है, तो मैं वीडियो बनाकर आपको उनके जवाब दिया करूंगी। तो आज हम रेकी से जुड़े सेशन में पहला सवाल लेते हैं कि क्या रेकी सीखने के लिए किसी योग्यता की जरूरत है? कौन रेकी को सीख सकता है? कई लोग पूछते हैं क्या कोई एलिजिबिलिटी है रेकी सीखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन यह है कि क्या ये रेकी के लिए कोई विशेष योग्यता चाहिए? तो जानिए, रेकी के लिए किसी भी योग्यता की जरूरत नहीं होती है। एक वो व्यक्ति जो रेकी में भरोसा रखे, जो चाहे कि वो सीखना चाहता है, वो व्यक्ति रेकी सीख सकता है। चाहे बच्चा हो, किसी भी एज का व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति रेकी को सीख सकता है। रेकी सीखने के लिए किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, कोई भी व्यक्ति रेकी को सीख सकता है और रेकी के फायदे उठा सकता है। किसी भी एज ग्रुप के बच्चे भी सीख सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत रेकी फायदेमंद होती है, बच्चों की मेमोरी अच्छी होती है, स्टडीज में रेकी मदद करती है। छोटे से छोटे बच्चे भी रेकी को सीख सकते हैं। तो ये है कि रेकी के लिए किसी योग्यता विशेष की जरूरत नहीं होती है। तो मेरा पहला सवाल ये हुआ कि आप में से जो भी व्यक्ति रेकी सीखना चाहे वो आराम से इसको सीख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मैं ले रही हूं कि रेकी से कैसे डिसीजेस दूर हो जाते हैं? ऐसा क्या है रेकी में जिससे कि डिसीज दूर हो जाते हैं? देखिए, डिसीज क्या है? निगेटिव एनर्जी है। और रेकी क्या है? पॉजिटिव एनर्जी है। अब मान लीजिए किसी जगह पे या शरीर में, पूरे में किसी को रोग ही रोग है, बहुत सारे रोग हैं, मतलब बहुत सारी निगेटिविटी है। प्रेयर क्या है? पॉजिटिव ऊर्जा है। गॉड क्या है? पॉजिटिव ऊर्जा है। ऐसी रेकी है पॉजिटिव ऊर्जा। तो जब आप शुद्ध मन से लगातार रेकी देते हैं, आप रेकी दिए जा रहे हैं, यानी आप पॉजिटिव ऊर्जा का फ्लो बढ़ाते जा रहे हैं, उसके शरीर में, व्यक्ति के शरीर में बढ़ा रहे हैं। तो जब पॉजिटिव ऊर्जा का फ्लो इतना बढ़ जाएगा, तो जो निगेटिव एनर्जी, जो बीमारी रूपी निगेटिव एनर्जी है, जो तनाव रूपी निगेटिव एनर्जी है, वो अपने आप कम होने लगती है। यानी पॉजिटिव ऊर्जा ज्यादा और निगेटिव ऊर्जा कम। तो जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती है, निगेटिव ऊर्जा दबती चली जाती है, खत्म होती चली जाती है और धीरे धीरे रिलीज हो जाती है। तो ये तरीका होता है रेकी में उपचार करने का। रेकी से इसलिए फायदा होता है क्योंकि रेकी एक सकारात्मक ऊर्जा है, और सकारात्मक ऊर्जा जहां जाती है वहां से निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा निकलती चली जाती है। तो आप इसीलिए रेकी में हीलिंग की जाती है। जब आप अपनी हीलिंग लगातार करते जाएंगे, तो आपके मन, शरीर, आत्मा में से निगेटिविटी जो भी होगी वो रिलीज होती जाएगी। तो आपकी ऑरा में एक शाइनिंग आएगी, बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। और जो भी आपके, अगर मान लो मैनिफेस्टेशन की भी बात करें, तो मैनिफेस्टेशन में भी ब्लॉकेजेस क्या है? निगेटिविटी है। मतलब कोई काम आपकी इच्छा है लेकिन हो नहीं पा रहा, नहीं हो पा रहा मतलब निगेटिविटी है ब्लॉकेजेस के रूप में। तो जब आप पॉजिटिव ऊर्जा लगातार दोगे, तो ब्लॉकेजेस रूपी निगेटिव ऊर्जा निकलती चली जाएगी, रिलीज हो जाएगी।
रिलीज हो जाएगी तो अपने आप इच्छा पूरी हो जाएगी, अपने आप बीमारियां शरीर से निकल जाएंगी और आप स्वस्थ हो जाओगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है रेकी का। रेकी ना कोई जादू है, ना कोई ब्लैक मैजिक है, ना कोई व्हाइट मैजिक है। रेकी एक पॉजिटिव ऊर्जा है, ईश्वर से जुड़ी हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा जहां दिए ही जा रहे हो तो उसका तो रिजल्ट आना ही आना है, नकारात्मक ऊर्जा तो अपने आप दूर हो जाएगी। तो ये हुआ आपके दूसरे सवाल का जवाब कि रेकी से हमें फायदा क्यों होता है, रेकी कैसे काम करती है। तो इसी तरह से रेकी काम करती है। हम तीसरा सवाल देखते हैं, क्या है, क्या रेकी के लिए किसी विशेष समय की जरूरत है जब हम रेकी करें तो हीलिंग देने के लिए, और हीलिंग किसी और खुद की सेल्फ हीलिंग के लिए और दूसरों को देने के लिए क्या कोई पर्टिकुलर समय होना चाहिए। तीसरा सवाल, देखिए रेकी वैसे तो यूनिवर्सल एनर्जी है, हर जगह मौजूद है, हर समय मौजूद है, पूरे 24 घंटे मौजूद है। तो जब चाहे आप सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को हीलिंग भी आप दे सकते हैं। पर इसमें एक सजेशन मेरा ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई पुरानी बीमारियां हैं अगर, तो फिर बेहतर होगा आप सुबह के समय उसकी हीलिंग करें। सुबह के समय की हुई हीलिंग से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। देखिए मैंने एक वीडियो और भी बना के बताया था कि सुबह सुबह ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है, एटमोसफेयर में निगेटिविटी नहीं है, पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा चारों तरफ है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होती है मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले। तो वो वाला जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसके बाद का समय होता है, मतलब सूर्योदय से पहले का जो समय होता है वो इतना खास होता है। अगर बड़ी बीमारियों के लिए उस समय हीलिंग दी जाए तो बहुत फास्ट रिजल्ट होता है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी उस समय पॉल्यूशन नहीं होता, आपकी इच्छाएं सीधे ईश्वर तक पहुंचती हैं, आप क्या चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उस समय एनर्जी लेवल हाई होता है। तो हाई एनर्जी लेवल की वजह से उस समय जो आप हीलिंग करते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो सुबह का समय बेस्ट होता है हीलिंग करने के लिए, चाहे आप सेल्फ हीलिंग करें, सेल्फ हीलिंग के लिए भी सबसे उत्तम जो समय होता है सुबह का सूर्योदय से पहले का समय होता है। मतलब आप 4-5 बजे अगर करते हैं, 6 बजे तक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा समय है। अगर नहीं कर पाते हैं तो रेकी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय आप कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं, सुबह आपको ऑफिस जाना है, आप सुबह नहीं समय निकाल पा रहे, आप दिन में कर सकते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं, किसी भी समय आप रेकी कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर समय की ऐसा जरूरत नहीं होती है, बस केवल एनर्जी सुबह हाई होती है तो उसका बेहतर रिजल्ट मिलता है। चौथा क्वेश्चन जो हम लेंगे आज वो ये कि आप योग करते हैं, आप विपस्सना करते हैं तो क्या आप रेकी सीख सकते हैं, या आपने योग विपस्सना या कोई और भी साधना आप करते हैं तो क्या उसके साथ हम रेकी सीख सकते हैं। देखिए रेकी में किसी भी तरह का कोई बंधन बना हुआ नहीं है, रेकी कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, चाहे वो कोई भी साधना कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी सीख रहा हो। अगर आप कोई मेडिटेशन भी करते हैं, आप योग ध्यान क्रिया कुछ भी करते हैं तो उसके साथ भी आप रेकी सीख सकते हैं। रेकी में कोई रोक टोक नहीं है, आप क्या सीख रहे हैं वो आप देखें कि वहां पर और ऊर्जाओं की परमिशन होती है, कुछ कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें नहीं दी जाती, पर रेकी की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। रेकी तो हर व्यक्ति सीख सकता है, चाहे आप कोई साधना कोई क्रिया कुछ भी करते हैं, रेकी को आप खुले मन से अपनाएंगे तो आप रेकी सीख सकते हैं और रेकी से आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। रेकी जो भी व्यक्ति सीखता है रेकी उसको अपने फायदे देने लगती है। तो अगला सवाल हम देखते हैं कि रेकी कितने बार दिन में दी जानी चाहिए। बहुत जो नए लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि वो कितने बार हीलिंग करें, कितने सेशंस वो रेकी में करें। देखिए जब आप नए हैं तब आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको किसी व्यक्ति को हील करना है तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप ऊर्जा दे सकें, 2 सेशन 3 सेशन 4 सेशन, उतने सेशन उनको देते जाइए। जितना ज्यादा देंगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। और अगर आप पुराने हो चुके हैं, मास्टर तक पहुंच चुके हैं, तब तो रेकी खुद आपको गाइड करने लगेगी कि कितने सेशंस की जरूरत है, कितना देर हीलिंग की जरूरत है,
कहाँ पर हीलिंग की जरूरत है, हर चीज रेकी अपने आप गाइड आपको करने लगती है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनसे आपको रेकी गाइडेंस भी आने लगेगी। जब गाइडेंस मिलने लगे तो जो रेकी की गाइडेंस है आप उतनी हीलिंग दीजिए। अगर कम हीलिंग की जरूरत है तो एक दो सेशन से भी दिन में काम चल जाता है। कोई व्यक्ति सीरियस कंडीशन में है, ज्यादा बड़ी बीमारी उसको है, तो 2-4-6 सेशन आप दे दीजिए दिन भर में, तो उसको जल्दी आराम आने लगेगा। तो इस तरह से रेकी में निश्चित नहीं है, कम से कम एक सेशन तो आपको डेली देना ही चाहिए। अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो मिनिमम 1 और 2 सेशन तो मिनिमम देना ही देना चाहिए आपको। तो इस तरह ये हुए आपके 3-4 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में मैं और भी क्वेश्चंस आपसे लूंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए रेकी के बारे में, आप जो जानना चाहें पूछना चाहें। आज पहला सेशन है इसीलिए मैंने 3-4 ही सवाल लिए हैं। और भी जो सवाल आपके हो, कुछ और सवाल भी मेरे पास बचे हैं, मैं सीरीज का सेकंड वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको उन सवालों के भी जवाब दूंगी। एक वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए मैं 4-5 ही सवाल ले रही हूँ। अगले वीडियो में आप मुझसे फिर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे व्हाट्सएप मत कीजिएगा क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इतने सारे मैसेजेस को संभालना। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहां से रिव्यू करती हूँ और वहीं से आपके सवाल लेकर मैं जवाब भी जरूर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।